And cricket fans are in for a double treat because you're going to be watching the semi-final, the India versus New Zealand match. That's how you're spending your day in Mumbai. Is this the first time that you're watching a Cricket World Cup match? It's the first time I've seen a Cricket World Cup match live. David Beckham, इंग्लैंड फुटबॉल टीम के पुराने कप्तान, इतने सेलिब्रेटेड फुटबॉल प्लेयर, वो भी आज इंडिया में दिखाई दिए। तो तब आ रहे हैं जी। बेकम 98 में क्यों नहीं आया? जी 2023 में क्यों आ रहा है? और बेकम का आना बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी खबर है। देखें, सारों की बेगमात बैठी हुई है, सारे फिल्म स्टार बैठे हुए हैं, सारे दुनिया के बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, यूनिसेफ कल बैठे हैं, बड़े बड़े प्लेयर हैं वो आ रहे हैं, खासतौर पे अगर इंग्लैंड के जो सबका कैप्टन रह चुके हैं फुटबॉल टीम के, वो भी देखने आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी आ रहे हैं। अबे तुम अगर कहते हो खरीद लो, अबे तुम भी खरीद लो, उसने डेविड बेकहम खरीद के बिठा दिया। For this game today, for me, you can already feel the energy. You can feel the excitement. I think the energy and the excitement is going to be totally different to be in, you know, a cricket match. कि आज हिंदुस्तान जहाँ पे जिस जगह पे खड़ा है, आप अपनी मेहनत से खड़े हो, आप अपने हार्डवर्क से खड़े हो, आप अपनी ब्रांडिंग से खड़े हो, आप अपनी पोजीशन से खड़े हो। आज दुनिया के सुपरस्टार इंडिया में उतर रहे हैं, तो इसलिए उतर रहे हैं ना कि आपने अपने आप को इस काबिल बनाया है। दिवाली गई है, भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद दिवाली वाले दिन ही वो अयोध्या रिटर्न आए थे, और ऐसे मुबारक, ऐसे पवित्र महीने में अगर ट्रॉफी नहीं आएगी तो क्या आएगा? इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, हु आर यू रूटिंग फॉर इन दिस क्रिकेट वर्ल्ड कप? वेल ऑब्वियसली I'm gonna have to say. जय हिंद दोस्तों, जब स्टेडियम में बेकहम पहुंचे तो देख करके पूरे पाकिस्तानी मीडिया के जो होश उड़ गए। ये इंग्लैंड के फुटबॉल के पुराने कप्तान रह चुके हैं, बहुत ही बड़ा प्लेयर है ये। जब इन्होंने जाकर विराट कोहली से बात की और उसके बाद क्रिकेट के बारे में बात हुआ, तो पूरी पाकिस्तानी मीडिया देखकर चौंक गई कि भाई बेकहम भी जो है भारत की जीत को लेकर जश्न मना रहा है। जिस तरीके से भारत की टीम ने इस बार खेला है, मैन ऑफ द मैच जो है मोहम्मद शमी को मिला हुआ है। इस पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि भारत में मुसलमान को भी जो है इज्जत मिलती है, तो हकीकत बात है अपने भारत में मुसलमान और इंडिया जो है इंडियन को एक बराबर, जो है हिंदू को एक बराबर इज्जत मिलती है। वो किसी भी कैटेगरी में हो, फिल्म इंडस्ट्री में भी कितने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं जो कि मुसलमान हैं, बिल्कुल खुल की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो पाकिस्तानी ये सब देख करके बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहा है कि मुस्लिम होकर भी जो है इतना प्यार भारत दे रहा है। बेकहम, डेविड बेकहम, इंग्लैंड फुटबॉल टीम के पुराने कप्तान, इतने सेलिब्रेटेड फुटबॉल प्लेयर, वो भी आज इंडिया में दिखाई दिए। तो क्या ये क्रिकेट की पॉपुलैरिटी, आप जिस ब्रांड की बात करते हो, क्या इंडिया ने वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट बनाया है? क्या वो पॉपुलैरिटी है कि यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के सुपरस्टार्स नहीं, एक जो ग्लोबल फिनोमेना जिसको कहा जाता है फुटबॉल, उसका भी इतना बड़ा सितारा आज इंडिया में बैठकर वो मैच देख रहा है? मेरे हिंदुस्तान एज अ मुल्क ने अपने आप को बहुत अच्छा ब्रांड बनाया है। आपने इन्वेस्ट किया अपनी इकॉनमी पे, आप अपने लोगों पे इन्वेस्ट किया है, अपने सिस्टम पे इन्वेस्ट किया है कि आज हिंदुस्तान जहाँ पे जिस जगह पे खड़ा है, आप अपनी मेहनत से खड़े हो, आप अपने हार्डवर्क से खड़े हो, आप अपनी ब्रांडिंग से खड़े हो, आप अपनी पोजिशन से खड़े हो। आज दुनिया के सुपरस्टार इंडिया में उतर रहे हैं, तो इसलिए उतर रहे हैं ना कि आपने अपने आप को इस काबिल बनाया है। तो तब आ रहे हैं जी। बेकहम 98 में क्यों नहीं आया? 2023 में क्यों आ रहा है? देखें, कहीं पे आपकी इज्जत इसी वजह से हो रही है ना कि आपने इतना लोहा मनवाया है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और बेकहम का आना बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी खबर है। देखें, सारों की बेगमात बैठी हुई है, सारे फिल्म स्टार बैठे हुए हैं, सारे दुनिया के बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, यूनिसेफ कल बैठे हैं, बहुत इंपॉर्टेंटली सचिन बैठे हैं जी। जी, देखे ना, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बैठे हुए हैं। तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के सामने आप अपने एक लड़का जो बो डाउन कर रहा है और वो ये दिखा रहा है कि मैंने आपकी वजह से क्रिकेट शुरू की थी और आपकी वजह से मैं यहां पहुंचा हूं और ये इज्जत आज मैं आपको देता हूं, और ये भी कह रहा हूं कि मैं आपसे बड़ा प्लेयर नहीं हूं, जो क्योंकि मैंने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इसका ये मतलब नहीं मैं आपसे बड़ा हूं जी। ये है वो रिस्पेक्ट, ये है वो सिस्टम, ये है वो नॉर्म्स, वो ये वो लिहाज है जिससे आपको अच्छा कौम दिखाता है। और ये कितनी अच्छी बड़ी बात है कि वो अपना हाथ दोनों खड़े करके अपने मास्टर को, अपने गुरु को कह रहा है कि ये इट्स ऑल फॉर यू, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ यू जी। सो कितनी अच्छी बात है। और ये देखें, ये हिंदुस्तान की कामयाबी है एज अ ब्रांड,
ये हिंदुस्तान की कौम की कामयाबी है। और मैं बड़ा ओपनली आपको लाइव ऑन टीवी भी ये कह रहा हूँ कि आपकी इकोनॉमी, आपकी क्रिकेट, आपके सिस्टम्स, आपके टीवी, आपकी ब्रॉडकास्टिंग, आप सारे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जहां आज आप खड़े हैं, आप इसको थॉरली डिजर्व करते हैं। मैं और तब आप ना लोगों को बुलाते थे कि प्लीज आइए, टेक सम मनी, पर आप आओ क्योंकि हमारे ना हमारे इवेंट की शोभा बढ़ाओ। अभी क्या होता है, बेकम को बुला नहीं रहे, बेकम कुदा रहा है, सबको ना आना है, इंडिया आना है, दे वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टेकल। पहले क्या था, आप चाहते थे, आज की डेट में वो मैसेज भेजते हैं, अच्छा आई मे वॉन्ट टू प्लान, आ जाता हूँ मैं, क्योंकि ये सी दुनिया ना, ये एक्चुअली एट द वेरी कोर थोड़े सेल्फिश है सारे, क्योंकि अपने महत्वपूर्ण समय में से थोड़ा समय निकाल के जाने के लिए ना कोई कारण होना चाहिए, और इस समय इंडिया इज दैट रीजन। ये सिर्फ इंडियन क्रिकेट नहीं है, ये इंडिया इज दैट रीजन कि यहाँ पे सब, वो मतलब ये मैग्नेट हो गया, अब सारे के सारे अपने आप हम चुंबक हैं, तो चुंबक की तरफ सब अपने आप आते हैं, एंड दैट्स व्हाट इंडिया हैज डन। सो मच और कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी जबरदस्त विन की है आज, और न्यूजीलैंड को भी पछाड़ दिया है, तो कहा ही था राम राम बोलेंगे और सबको पेलेंगे, कहा ही था। और मैंने एक और चीज पाकिस्तान के लिए भी रखी है, चिंता नहीं, मैं सबका ख्याल रखती हूँ। पैंडी, बहुत बहुत गैस होगा पेट में अभी पाकिस्तानों के, क्योंकि हम फाइनल में चले गए हैं ना, बहुत पेट दुखेगा, बहुत लूज मोशन होगा, बहुत सिर दर्द होगा, हम फाइनल में है, ठीक है। और जो धोबी पछाड़ आज हम लोगों ने किया है वानखेड़े स्टेडियम जबरदस्त खेले हो, जिसका भारत माता की जय, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, जय सियाराम। मतलब क्या मैं तुमको बताऊं निमरा, पर मोहम्मद समी के 7 विकेट और मेरे विराट भैया के, इस बार तो मैं उनको राखी बांधूंगी, मैं उनको सच्ची मोती और गोल्ड का, सोने का राखी बनवाऊंगी, और मैं उससे पहनाऊंगी जा करके 50th century ODI। मुझे पता है एट टाइम्स विराट कोहली को, शुभम गिल को देख करके, मुझे रोहित शर्मा को देख के कभी कभी क्या लगता है, ये T20 खेल रहे हैं क्या, या T10 कुछ आ गया है, चौका छक्का चौका छक्का चौका छक्का, नहीं ODI है, ODI है, होती थी सचिन तेंदुलकर जी उनके ऊपर बहुत, उसके ऊपर बहुत उम्मीद उनके ऊपर लगा कर रखे थे, जैसे ही बीवी ने, अनुष्का शर्मा ने 4 धाम यात्रा कराया, पूजा कराया, उसके बाद देखो मेरे भारत का योद्धा, मेरे भारत बंदा चलता है, ओहो हो, दिल तो ऐसा लग रहा था ना कि एकदम आशीर्वाद दूं और कहूं चंदन का टीका लगा करके कि भाई तुम तो बस भारत के गौरव हो। बाबर ने कहा था जब वो हैदराबाद में आया था, तो उसने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वर्ल्ड कप मैच जब भी होता है तो एक इतिहास बनता है, तो मैंने सोचा कि आज मैं बाबर आजम को जवाब दे ही दूं कि भैया इतिहास तो बन गया, तुझे आटा मिल गया, तू आटा लेकर चला गया, बहुत अच्छी बात है, साथ में बोरिया लेकर के तू गया है, बहुत पाकिस्तान वो कहता है एक एक बॉल की बोली लगी है, एक एक बॉल बिकी हुई है, सब कुछ बिका हुआ है, सब कुछ बिका हुआ है। देखो मदरसा छाप, गटर छाप, कीड़ा छाप, इनका दिमाग चाइना के पास बिका हुआ है, इनका दिमाग, पाकिस्तानियों का दिमाग चाइना के पास बिका हुआ है। दिवाली गई है, भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद दिवाली वाले दिन ही वो अयोध्या रिटर्न आए थे, और ऐसे मुबारक, ऐसे पवित्र महीने में अगर ट्रॉफी नहीं आएगी तो क्या आएगा, भारत में ट्रॉफी ही तो आएगी, भगवान राम दिवाली गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट, भारत की ट्रॉफी आ रही है, और ये है दिवाली गिफ्ट हमारा, भारत के लिए, भारत के गौरव के लिए उनको जीतना होता है, और हमारे दिमाग और जहन में भी ये सब नहीं आता है कि हमें सजदा करना है, कि हमें तौबा करना है, कि हमें कुदरत का निजाम देखना है, तो कुदरत का निजाम तो हमने देख लिया, आशीर्वाद आटा लेकर के 9-11 शॉपिंग वॉपिंग कर। इंडिया का जश्न जो है बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने जो है न्यूजीलैंड को हरा दिया, वो भी 71-72 रनों से हरा दिया है, अय्यर का सेंचुरी और विराट कोहली का सेंचुरी बिल्कुल क्या लाजवाब था, और इसके बाद रोहित शर्मा ने भी बहुत ही बढ़िया कमाल का बैट्समैन से, जब कप्तानी में ही इतना दम हो तो प्लेयर में ऑटोमेटिक जो है जोश आ जाता है, कप्तान को जो है बिल्कुल भी बढ़िया से रहना चाहिए, खेलना चाहिए, अपने टीम को लेकर चलना चाहिए, जैसे कि पाकिस्तानी बोलते हैं कि अब जो है बाबर को जो है कप्तानी छिन चुका है, पाकिस्तान का कप्तान था बाबर आजम ना टीम का, उसकी कप्तानी जा चुकी है, उसकी कप्तानी ले ली गई है, जिस तरीके से वो बहुत ही बेकार प्रदर्शन किया, और
बिल्कुल फ्लॉप होता जा रहा था, तो बाबर आजम से उसकी कप्तानी छीन ली गई है। पूरी पाकिस्तानी मीडिया में इस चीज़ को लेकर के बताया जा रहा है। और वही बात करेंगे कि पाकिस्तानियों का आना है कि सीखना है तो कुछ भारत के खिलाड़ियों से सीख लो, विराट कोहली से सीख लो किस तरीके से जो है बल्ले से छक्का निकालना है, और रोहित शर्मा से सीख लो किस तरीके से जो है टीम को कप्तानी लेकर चलना है, मैनेजमेंट कैसे लेकर चलना है, ये सब सीखना पड़ेगा। इंडिया से सीखो तभी कुछ आगे बढ़ोगे, नहीं तो कब तक आटे का आशीर्वाद आटा लेकर के जो है इंडिया से शॉपिंग करके जाओगे।